और जिसको ये अवार्ड मिल जाए मैं समझता हूँ वो बहुत कुछ कर चुका है ज़िंदगी में और बड़े बड़े लोगों को मिला है और मैं सबका मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया आज और वाकई फ़ख्र हो रहा है मुझे कि मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ और बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे क्योंकि जितना अमेरिका में ऑस्कर का एक नाम है वैसे ही यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड का नाम है। देखिए चेंजेस दुनिया का पहला उसूल है तब्दीली, चेंज इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। जहाँ तब्दीली नहीं होती उसका मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ है सोसाइटी में। यहाँ बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है, ऑल फॉर द बेटर। मैं बहुत ही खुश हूँ आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, मैंने खुद हिस्सा लिया है पीछे हिरानी साहब की फिल्मों में, फिर यशराज फिल्म में, और जिस तरीके से आजकल फिल्म बनती हैं और जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखा जाता है वगैरह, और जितना नाम हिंदुस्तानी फिल्मों का हो गया है दुनिया में वो अद्वितीय है और मुझे लगता है कि हम और भी आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ जस्ट अ ट्रेलर। मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं सर, क्योंकि बहुत हमारा रिश्ता बड़ा नाजुक है और अभी तो मैच होने जा रहे हैं क्योंकि होना ही है, मगर अगर आप पूछ रहे हैं कि होना चाहिए, सीरीज़ होनी चाहिए कि नहीं, तो वो फिर सब मोदी जी के हाथ में है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। भाई जहाँ तक मैं सलमान को जानता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ आमिर को, दोनों के साथ काम किया है, वो इस किस्म के लोग नहीं है जो अपने ऊपर प्रेशर आने देते हैं। वो बड़े संतुलित किस्म के लोग हैं और मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी आगे की सोचेंगे कि हम कैसे इससे आगे बढ़ें, क्योंकि दे आर इनक्रेडिबल बॉयज। मैं बड़ा उनके साथ काम करके बड़ा खुश हुआ था, बहुत मतलब सूझबूझ है उनमें, और ख़ास तौर से जो अपने आमिर जो है उसकी पकड़ स्क्रिप्ट की बहुत बढ़िया है, और सलमान की भी। आई विश देम ऑल द बेस्ट। आगे ही बढ़ना है एक से ऊपर एक। अभी इन्होंने ये बनाई है बाहुबली, उसके बाद ये कुछ और बनाएंगे, फिर कुछ और बनाएगा, यही ज़िंदगी का उसूल है, आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। सर मैं इसके बारे में ना मैंने पढ़ा है ना मैं जानता हूँ। आई डोंट लाइक टू से अगर ब्रह्मचारी तो होते हैं या नहीं होते, आई डोंट नो। अगर बिल्कुल ही ब्रह्मचारी हों सारे मोर तो फिर तीसरा मोर पैदा होना बड़ा मुश्किल हो जाए, बट आई डोंट नो, दे आर राइट, दे आर रिलीजियस पीपल। मगर बड़ा खूबसूरत पक्षी है और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा कहा है। चलें सर। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। देखिए दोस्तों, ये मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति का एक ख़ास, इनकी एक ख़ास जगह है हमारी ज़िंदगी में। इन्होंने और मैंने, हम दोनों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था और अब भी हम इकट्ठे हैं, और आज सबसे खुश मैं हूँ इनसे शायद ज़्यादा कि आज को इनको ये अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि ये इसके हकदार हैं। इनको पहले मिलना चाहिए था, ये भी मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि अब जब परिस्थितियाँ बदल गई हैं तो शायद इनको ऑस्कर भी मिल जाए। माय गॉड। मुबारक मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू।